वही तो तरीका होगा कि वासवानी जी ब्लूप्रिंट्स अभी दे दें और पैसे 15 दिन बाद लेने के लिए मान जाए। ऐसा लगता तो नहीं है उनकी बातों से। स्विट्जरलैंड। अरे वाह, तो उन्होंने पेरेंट्स से साइन कराने के लिए कंसेंट फॉर्म और फी भी पूछी होगी। आपने मुझे बताया नहीं। ले आओ, मैं साइन कर देती हूँ ताकि आप चले जाओ। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना स्विट्जरलैंड। क्यों? सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं जाना है? माँ, मैं वैसे भी स्विट्जरलैंड डैड के साथ बहुत बार गया हूँ। नहीं आया, फैमिली हॉलिडे और स्कूल के बच्चों के साथ जाने में बहुत फर्क होता है। आप वहाँ पर बहुत एंजॉय करोगे। नहीं माँ, वहाँ पर कुछ मस्ती नहीं करने मिलेगी। हम लोग वो सब देख के आएंगे तो टीचर क्लास में सब पढ़ाएगी। स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई हुई है? नहीं माँ, मेरे किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर क्यों नहीं जाना है? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अच्छा, समझ गई। मेरा इतना समझदार और मैच्योर्ड बच्चा ये सोच रहा है कि वो इंटरनेशनल हॉलिडे पे चला गया तो माँ पीछे से अकेली हो जाएंगी, तो उनका ख्याल कौन रखे? थोड़े दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी, अपना ख्याल रख लूंगी। लेकिन आप घूम कर आओ। माँ, सब घूमने जाना है ना, फिर एक दिन आप और दादी घूमने चलेंगे। अभी आप कितना बिजी हो, बहुत सारा काम है ना, तो आप काम खत्म कर लो फिर हम लोग एक दिन चलेंगे। हाँ, तो सच में आपको नहीं जाना है? मैं माँ के साथ ही जाना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेरी वजह से कह रहे हो कि नहीं जाना है? माँ, आप मुझे जबरदस्ती भेजना चाहते हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चले जाओगे तो मैं भी तो बोर ही हो जाऊंगी। मैं तो खुशी हूँ कि आप यहाँ पर, मेरा बच्चा। दिवालिया हो गई ये कंपनी। राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज में ताला लग गया है। अब ये कंपनी बिना पैसों के नहीं चलने वाली। तुम्हारा अंशुमन और उसकी हैप्पी फैमिली टाउनशिप का सपना खत्म हो गया है। खत्म हो गए दोनों, खत्म हो गए दोनों, खत्म हो गए दोनों। See, try and understand. बिजनेस है, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्यमन के साथ कोई रिलेशनशिप फॉर्म कीजिए। नहीं, अपना काम निकालिए, जाने दीजिए उसको। फिर मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मुझे अपने घर को बचाना है, लेकिन मैं आर्यमन की मदद नहीं लूंगी। नहीं नहीं, मुझे आर्यमन की मदद। फॉरेन हॉलिडे कंसर्न फॉर्म पर साइन किया क्या? हाँ, और तेरे? हाँ, मेरे भी डैड ने कर दिया। तुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। बहुत मजा आने वाला है। ब्लैक बन के आओ, सो मच फन। एंड ये फॉर्म साइन कर देते हैं मम्मा। अब मैं नहीं जा। तू क्यों नहीं जा रहा है? पूरी क्लास स्विट्जरलैंड जा रही है। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा स्विट्जरलैंड। मैं तो बहुत बार गया हूँ डैड के साथ। क्या वहाँ पे म्यूजियम है, लेक है, लैंड माउंटेन है, सब देखा है मैंने। लेकिन आयान, हम सब साथ में पहली बार जा रहे हैं। रोज तो साथ रहते हैं। तुम लोग को पता है कितनी मुश्किल से हमारे मॉम डैड कितने सारे पैसे कमाते हैं और हम लोग स्कूल ट्रिप पे कैसे खर्च कर देते हैं। अगर हम लोग के मॉम डैड के पास पैसे खत्म हो गए तो हम लोग ये सब ट्रिप पे कैसे जा पाएंगे? हम खुद कमाएंगे ना, तभी पता चले खुद कहाँ जा रहा है, तो पैसे कहाँ है। एग्जैक्टली, तुम्हें पता है फॉरेन में ना बच्चे लोग वैकेशन में काम करते हैं, जैसे बेबी सिटिंग, गार्डनिंग, पॉकेट मनी कमाते हैं सब लोग।
लेकिन उससे फॉरेन हॉलीडे तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना। अगर हम लोग को बहुत सारे पैसे कमाने हो तो हम लोग क्या करें? तुम लोग के पास कोई आइडिया? एक आइडिया है। क्या आइडिया? जल्दी बताओ। ये देखो। ये क्या है? एक रियलिटी शो टीवी पर बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना है। जो सबसे अच्छा पसंद करेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये कहाँ से मिला तेरे को? मेरे सोसाइटी में एक अंकल बांट रहे थे, उन्होंने दिया। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है यार। अरे यार, ये कुछ मुश्किल नहीं हो सकता। टैलेंट ही तो दिखाना है और बहुत सारे पैसे भी तो मिलेंगे। हाँ, टीवी पर भी आएगा। टीवी पर? अरे लेकिन टीवी, आजकल के जमाने कौन टीवी देखता है ज्यादा? ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगा। इसमें जीतने की कोशिश करूंगा, फिर सारे पैसे माँ को दे दूंगा। यस, अब मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्या कहा, मैं नानी बन गई? अरे कब हुई डिलीवरी? जी कल रात को ही हुई। अच्छा अच्छा, लेकिन टाइम था ना? हाँ सासुमा, बेबी प्रीमेच्योर है लेकिन बिल्कुल ठीक। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ, मेरी बेटी कैसी है? लावण्या भी बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती थी कि डिलीवरी के समय उसके साथ होती, अपने हाथों सब कुछ करती। चलो जो भगवान की मर्जी। उसका यहाँ होना तो भी ठीक नहीं था ऐसी हालत में। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम दोनों का, मेरा मतलब है तुम चारों लंदन से कब आ रहे हो? बहुत जल्दी सासुमा, सिजेरियन है ना, तो थोड़ा वक्त अभी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी आ जाएंगे। गिरीश, तुम्हें पता है इतने दिनों के बाद एक इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। ऐसे लग रहा था कि किस्मत तो हमसे रूठ ही गई है। सासुमा वहां सब कैसा है? यहाँ सब ठीक है, बस तुम लोग जल्दी आ जाओ। ओके, और लावण्या को मेरा बहुत 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 प्यार देना, और उस छोटू को भी। ओके जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। बस इसी तरह उनकी कृपा हमारे घर पर रहे। मिस्टर वीर, आपने जो कल रात को कहा उस बारे में मैंने काफी सोचा। Really? और मुझे ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं। जज्बात अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह है। बिजनेस के डिसीजंस हैं, प्रोफेशनल मैटर है। इसे दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना चाहिए। यू राइट। सीरियसली? दैट्स ग्रेट। मुझे लगा नहीं था कि आप मान जाएंगे इतनी जल्दी। व्हाट आई वांट टू से इज दैट गुड। सो मैं कह रहा था कि आप जो भी कह रहे थे एकदम ठीक कह रहे थे। ये जो मिस्टर वासवानी है बड़े ही प्रोफेशनल इंसान है और बहुत ही मनी माइंडेड। एग्जैक्टली। यू रिमेम्बर दैट चमड़ी धमड़ी? निहायत ही अंधविश्वासी। या राइट, सुपरस्टिशन से डरा हुआ इंसान बिल्कुल। लेकिन डर से बढ़कर भी एक चीज होती है और वो होता है शौक। कैन यू एक्सप्लेन? डर क्या होता है ना, उस पर तो इंसान कंट्रोल कर लेता है। जैसे अगर किसी को फ्लाइंग का डर है, वो दो चार फ्लाइट्स पकड़ता है और डर पर काबू आ जाता है। लेकिन अपने शौक पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी चीज का बहुत शौक हो ना, तो इंसान कुछ ना कुछ करके वो शौक पूरा कर ही लेता। आपने उनका डर देखा और मैंने उनका शौक देखा, जो उनको खाने पीने का शौक है। तो प्रैक्टिकली ये बात ठीक है कि वासवानी जी ऐसे तो नहीं मानने वाले। लेकिन मैंने भी डिसाइड किया है कि आज उन्हें लंच पर बुलाती हूँ। मुझे याद है अंशुमन मुझसे हमेशा कहा करते थे कि बाकी बिजनेस के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, वो ऑफिस में नहीं होते। उससे ज्यादा वो ब्रेकफास्ट मीटिंग्स, डिनर्स और पार्टीज में होती हैं, खाने पीने की टेबल पर। तो बस मैंने भी आज वासवानी जी के लिए उनका फेवरेट सिंधी खाने का मेन्यू सेट किया है।
जब वो खाना एंजॉय कर रहे होंगे तो उनसे ब्लूप्रिंट्स की बात करूंगी। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये चाल कामयाब होगी। मुझे लगा था कि आप आर्यमन वाली बात को लेके शायद। वो बात तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। जिस इंसान को एक बार आजमा चुके हो उसे दोबारा आजमाना बेवकूफी होती है, राइट? योर कॉल। सही मायनों में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वासवानी साहब को खाना खिलाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। बट ठीक है, कुछ खराबी नहीं है। और आपको इतना बता दूं कि ये जो कॉर्पोरेट लंचेस और डिनर्स होते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन होते हैं जब दोनों पार्टियों के बीच में एक आम सहमति हो। यहाँ पर वासवानी साहब बिना पैसे के काम करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं। ट्राई करके देख लीजिए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वर्क करेगा, बट ऑल द बेस्ट। वैसे आपको सलाह देना मेरा काम है। आपको फिर एक बात बता दूं, आर्यमन वाले ऑप्शन को पूरी तरह से नकारिएगा मत। किसी से इतनी दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है कि अपना खुद का नुकसान हो जाए। So just keep that in mind. रुमाल पर से दाग अभी तक गया नहीं है। मैं रुमाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं साफ करवा कर भिजवा दूंगी। मैं भावना, वैसे मैं घर के लगभग सारे काम कर लेती हूँ सिवाय इन डब्बों को खोलने के। सुनिए, जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।